हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कल 20 जून को टीआरए का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके रिगार्डिंग कल हमने लाइव सेशन भी रखा था लेकिन वो दो घंटे का हो गया था तो हम नहीं चाहते कि आपका टाइम ख़राब हो आप अपना टाइम स्टडी को दे पाएँ इसलिए मैं आठ दस मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करूँगा कुछ स्टूडेंट के बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं कि सी की एलिजिबिलिटी कब पता चलेगी सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा बस ध्यान से सुनिए सबसे पहली बात फॉरम कब से स्टार्ट हो रहे हैं सत्ताईस जून से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कब तक चलेंगे छब्बीस जुलाई तक चलेंगे तो आपको टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है जैसे ही आपको टाइम मिले फॉर्म फिल कर देना हर बार कुछ बच्चों के मैसेजेज आते हैं सर साइट काम करनी बंद हो गई मैं फ़ॉर्म फिल नहीं कर पाया किसी भी रीजन से तो कम से कम एक हफ्ते पहले ज़रूर फिल कर दें फॉर्म फिल कौन कर सकता है कम से कम आपकी एज होनी चाहिए बीस साल मैक्सिमम होनी चाहिए चालीस साल लेकिन गवर्नमेंट ने कोरोना के कारण तीन साल का रिलैक्सेशन दे रखा है तो फोर्टी थ्री ईयर्स हो गए कि अनरिजर्व कैटेगरी के, के लिए एक बार आप नोटिफिकेशन की रीडिंग ज़रूर लगाएं उससे आपको अलग अलग डेट पता चल जाएगी रिजल्ट कैटेगरी के, के लिए सिलेबस के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है कुछ लोग अब भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि ये चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया एक परसेंट भी छोटा सा भी चेंज नहीं है और ओ का सिस्टम लागू किया गया है राजस्थान में वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो एक बार ही रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा सभी एग्ज़ाम के लिए फीस ली जा रही है छः सौ रुपए अनरिजर्व से अदर कैटेगरी से फोर हंड्रेड रुपीज़ एक बार आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे सभी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम डेट एक बार इन्होंने फिर से बता दिया है कि सत्रह सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा ये इन्होंने क्लियर कर दिया है तो यदि हम आज की तारीख की बात करें तो तीन महीने से भी कम आप लोगों के पास बचे हुए हैं आज इक्कीस जून है तो तीन महीने से भी कम आप लोगों के पास बचे हुए हैं अगली बात वेकेंसीज कितनी है जे आर ए की इक्कीस सौ इक्यावन सौ नब्बे वैकेंसी है टी आर ए की एक सौ अठानवे पोस्ट है फोरम में आपको प्रायोरिटी बतानी है कहने का मतलब आपको प्रायोरिटी बतानी है कि सिलेक्शन होने पर आपको क्या दिया जाए जैसे आपने लिखा टी आर ए और सेकेंड नंबर पर आपने लिखा जे आर ए तो यदि आपका टी आर ए पर सिलेक्शन होता है तो आपको टी आर ए मिल जाएगा टी आर ए पर नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली जी आर ए आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं है कि आप टी आर ए लिखेंगे तो केवल एक सौ अट्ठानवे पदों के लिए ही आप लड़ पाएंगे आप टी आर ए भर रहे हैं साथ में आपने जी आर ए भी भरा है दोनों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म कौन फिल कर सकता है तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए सबसे पहली बात सीई टी का एग्ज़ाम आपने दिया है चाहे सी ई टी में कितने भी मार्क्स आपके बन रहे हों दस परसेंट बीस परसेंट अस्सी परसेंट नब्बे परसेंट सीई टी का एग्ज़ाम आपने दिया है या तो आप ग्रेजुएट है या सी का इंटरमीडिएट किया है आपने या सी का इंटरमीडिएट किया है, है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट या सॉरी और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आर एस सी आई टी या उसके इक्विलेंट आपके पास होना चाहिए फिर से बताता हूँ फॉर्म कौन फिल कर सकता है तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए सी टी का आपने एग्जाम दिया है चाहे कितने भी मार्क्स बन रहे हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आप ग्रेजुएट है किसी भी फील्ड से कॉमर्स आर्ट साइंस बी कुछ भी हो सी ए का इंटरमीडिएट है या सी एम ए का इंटरमीडिएट है तीनों में से कोई एक और कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आर एस सी आई टी या उसके इक्वलेंट फिर गवर्नमेंट बताएगी कैसे कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है कौन एग्ज़ाम नहीं दे सकता तो स्ट्रेंट ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले आप सभी लोग फॉर्म फिल कर दो जिन्होंने भी सी एटी का एग्ज़ाम दिया है मान लीजिए गवर्नमेंट के पास दस लाख फॉर्म आ जाते हैं फिर फॉर्म फिल होते हैं छब्बीस जुलाई तक तो ये मान लो कि गवर्नमेंट बताएगी अगस्त के फर्स्ट वीक में मान लो सात अगस्त एक बार आप पकड़ करके चलो फॉरम फिल होना बंद होएंगे उसके बाद हफ्ता दस दिन तो गवर्नमेंट लेगी ही लेगी एक बार मैं ये टेंटेटिव बता रहा हूँ इसको सीरियसली मत लेना सात अगस्त को उससे पहले की कोई संभावना नहीं है गवर्नमेंट लिस्ट निकाल देगी जो भी पिचहत्तर हज़ार या अस्सी हज़ार लोगों की लिस्ट निकाल देगी उन लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे बाकी लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे आप बोलेंगे सर गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उस मैटर पर बात करने का स्टूडेंट कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट वही करेगी जो गवर्नमेंट को करना है कहने का मतलब अगले 40-45 दिनों तक आपको सी की एलिजिबिलिटी के बारे में अभी पता नहीं चलेगा पाँच महीने पहले भी क्वेश्चन यही था कट ऑफ़ कितनी जाएगी अब भी क्वेश्चन यही है कि कट ऑफ कितनी जाएगी कम से कम अगले 40-45 दिन नहीं पता चलेगा आप ये भी बोल सकते हो गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के लिए मैक्सिमम डेढ़ महीना देगी मिनिमम नहीं है ये मैक्सिमम डेढ़ महीना है मैक्सिमम डेढ़ महीना देगी इससे ज़्यादा का टाइम नहीं देगी एलिजिबिलिटी के बाद अब बात यह है कि प्रिपरेशन करें या प्रिपरेशन नहीं करें स्टूडेंट इस, इस टाइम है ना बहुत सारी वैकेंसीज है टी आर की वैकेंसी है संगणक है जे वी बी आ रही है फर्स्ट ग्रेड आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर ए आ रही है और बहुत सारी वैकेंसी जो पाइपलाइन में है लाइक रोडवेज हाउसिंग बोर्ड और भी आ रही है सभी छोटी छोटी वैकेंसी गवर्नमेंट फिल करेगी तो देखो टी आर ए ना आपको भी पता है बहुत अच्छी वैकेंसी है और सिलेक्शन लेना बहुत आसान है पंद्रह गुना गवर्नमेंट लेगी तो कंपटीशन केवल चौदह बच्चों से चौदह में से केवल पाँच सात बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो केवल पाँच सात बच्चों से कंपटीशन ऐसा एग्ज़ाम आज तक तो कभी इतिहास में हुआ नहीं है जिसमें कंपटीशन पाँच सात बच्चों से रहे तो अगर सी क्लियर हो जाता है तो ये मान लीजिए कि आप सरकारी अधिकारी बन चुके हैं लेकिन बात यही है सीई होगा कि नहीं होगा तो आपके पास में स्टूडेंट केवल और केवल दो ही ऑप्शन है दो में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहला ऑप्शन है कोर्स की फीस की आपको रिस्क लेनी पड़ेगी तीन चार पाँच हजार रुपए की तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी आज से आप तैयारी करेंगे कोर्स भी कंप्लीट कर पाएंगे रिवीजन भी कर पाएंगे फिर अगर सीई हो गया हंड्रेड परसेंट आप अधिकारी बन जाएंगे दूसरा ऑप्शन है रिस्क नहीं ले सकते तीन चार पाँच हजार रुपए की फीस की क्योंकि नहीं तो हम रिफंड का झंझट ले सकते हैं ना एक्सचेंज का ना हमारे पास इतना टाइम है ना आपको परेशान करेंगे कि पहले आपका एडमिशन ले ले फिर आपको परेशान करें रिफंड के लिए तो दूसरा ऑप्शन है इस वैकेंसी को भूल जाइए टीआरए जीआरए को और किसी अदर वैकेंसी में आप दिमाग लगाइए लेकिन आज से ही तैयारी प्रारंभ कर दीजिए फिर से बोलता हूँ पहला ऑप्शन है आपको फीस की रिस्क लेनी पड़ेगी आज से ही तैयारी प्रारंभ कीजिए स्टीट क्लियर होता है और आप तैयारी कर रहे हैं आज से हंड्रेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है टी आर जी आर ओ को भूल जाइए अच्छा सपना समझ करके और दूसरी वैकेंसी की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए क्या ऑप्शन नहीं है अब भी यदि आप एलिजिबिलिटी का इंतजार करेंगे तो न तो किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी होगी न इसकी तैयारी होगी डेढ़ महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी साफ़ कहना और सुखी रहना यही आप लोगों के पास ऑप्शन है और कोई भी ऑप्शन नहीं है फिर भी अस्सी हज़ार में से लगभग पाँच हज़ार लोगों का सिलेक्शन होना है ना तो वो पिछहत्तर हजार लोग वही है जो अब भी ये सोचेंगे कि हम तो इंतज़ार करेंगे हम आपकी बात क्यों माने और वो जो पाँच हज़ार लोग हैं जिन्हें लगता है कि टीचर सही एडवाइस दे रहे हैं हम यही एडवाइस दे रहे हैं कंटिन्यूसली जिन बच्चों ने सी के एग्ज़ाम के अगले दिन से तैयारी स्टार्ट कर दी आप देखो वो किन के अंदर आ रहे हैं वो पाँच हज़ार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं समय आपको खराब करना है आप करते रह सकते हैं और कोर्स यदि आप चाहते हैं तो किसी ऑफलाइन कोर्स के चक्कर में अब मत फंसना एग्जाम तक टीचर आपको इंस्टीट्यूट बुलाते रहेगा न कोर्स होगा न रिवीजन होगा रिकॉर्डेड कोर्स है अपनी स्पीड से पढ़ो ढाई गुना स्पीड करनी है ढाई गुना करो सोते सोते पढ़ने है सोते सोते पढ़ो किसी भी टाइम पढ़ो कोर्स में टोटल 406 वीडियो है एक सौ तिहत्तर फाइल है एक टेस्ट है इस कोर्स में टोटल डेढ़ सौ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं पांच सब्जेक्ट कंप्लीट है इकोनॉमिक्स इसी मंथ से अपलोड होगी बेस्ट कोर्स मिलेगा जो कोर्स आपको दस बारह पंद्रह बीस हज़ार रुपये में मिल रहे हैं वो कोर्स हम बिल्कुल कम फीस में चार हज़ार रुपये में आपको दे रहे हैं इससे बेस्ट कोर्स नहीं मिलेगा हर एग्जाम में हाइस सेलेक्शन का हमारा रिकॉर्ड है वो बताने की ज़रूरत नहीं है कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप ऐप चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर हमने एक वीडियो डाल रखा है श्योर सेलेक्शन स्ट्रेटजी टी आर ए वो श्योर सेलेक्शन स्ट्रेटजी आप तब लगा सकते हो जब आपके पास कम से कम पिचहत्तर दिन है वो वीडियो आप जरूर देखना अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा जरूर 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 से देखना और स्टैंड बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी फिर से दोहरा रहा हूँ दो ही ऑप्शन है तीसरे ऑप्शन की तरफ मत जाना वरना नहीं ये वैकेंसी हाथ में बचेगी ना कोई और दस पंद्रह परसेंट डिस्काउंट चलता रहता है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके कर रखें ऐप में डेमो क्लासेज भी है थैंक यू थैंक यू सो मच